नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कन्नौज में प्रखर समाजवादी नेता डॉक्टर मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर बुधवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की अगुवाई में सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शहर के तिरवा क्रॉसिंग स्थित लोहिया चौराहे पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर पहुंचकर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और धूमधाम के साथ लोहिया जयंती मनाई। इस दौरान सपाइयों ने डॉक्टर लोहिया के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान सपा नेताओं में पूर्व विधायक अनिल दुबरे, जिला अध्यक्ष कलीम खान, नजीम खान, नेम सिंह यादव, नीलू यादव, दिशान कुरैशी, अंशुपाल, अमित मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। सीबू सैनिक की रिपोर्ट। किस तरह की जयंती मनाई जा रही है? राम मनोहर लोहिया जी जो समाजवादी जनक थे, आज उनका जन्मदिन है। हम समाजवादी लोग हैं। अभी हाल में चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन हम लोहिया जी के अनुयायी हैं। लोहिया जी कहा करते थे, जिंदा कौमें 5 वर्ष इंतजार नहीं करती। हम लोहिया जी कहा करते थे, सत्ता में रहो तो कार्य करो और विपक्ष में रहो तो संघर्ष करो। हम समाजवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं। लोहिया जी कहते थे, मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। हम मानेंगे नहीं नौजवानों, किसानों, अल्पसंख्यकों, दीन दुखियों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। जब तक इस देश में सांस है, खून है, अन्याय के खिलाफ हम समाजवादी पार्टी के लोग लड़ाई लड़ेंगे। हमें जीत में बहुत खुशी नहीं होती है और हार में कोई गम नहीं होता। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24।